जिन तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को रोते हुए देख रहे हैं उसकी पीड़ा क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये एक मंदिर के पुजारी हैं जो आगरा के खेड़िया स्थित मंदिर में पुजारी हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति गिर जाने के बाद इनका रोना शुरू हुआ। तो इन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ टूट गया है, जिसे लेकर ये अस्पताल पहुंचे हैं। तो इन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि हमारे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है, तो कृपया इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप पागल हो गया, ऐसे कहीं मूर्तियों को टूटने पर इलाज किया जाता है। तभी वहां एक खड़े व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति काफ़ी रो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो पुजारी जी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको एक बार सुनवाते हैं। लेकिन ये बताइए, लड्डू गोपाल जी का जो हाथ टूट गया था, कैसे क्या कैसे हाथ टूट गया? सुबह 4 बजे मंदिर साफ सफाई करने के बाद में नहा धुला के सिंहासन में बैठाए मैंने, तो अचानक एकदम गिर गए थे। गिरने के बाद हाथ में हाथ अलग टूट गया, फिर वहाँ रोता पिल्लाता रहा, मुड़ फोड़ता रहा। फिर इसके पहले हाथ में खपच्ची वच्ची बांध के नहीं बांध दिया मैंने इनको। बांधने के बाद में फिर सुबह देखने इंतजार करता रहा। 8 बजे जब मैं यहाँ पर आया, आने के बाद पर्चा नहीं बना रहे, तो घुमाते रहे मुझे, इधर जाओ उधर जाओ, पर्चा बने। फिर प्रेस वालों के फ़ोन आए पता नहीं किनके, फिर उन्होंने आने के बाद में मैंने उन्होंने 7 नंबर वहाँ भेज दिया, वहाँ हड्डी वाले डॉक्टर यहाँ, उन्होंने कह दिया 7 नंबर हो जाओ, 7 नंबर ही मैंने कर दिया, घर जाओ पागल है। तो फिर वहाँ से वहाँ मैं चला, फिर एकदम घबरा गया, हार्ट पेशेंट तो हूँ ही। इसके बाद में फिर दोबारा गेट तक पहुँच गया, गेट में पहुँचने वाले एक सज्जन थे प्रेस के, पता नहीं कौन, वो मुझे लिवा करके वापस ले के आए। फिर हड्डी वाले डॉक्टर से बात की, प्लास्टर हो गया, पर्चा बन गया था, प्लास्टर हो गया आपका, प्लास्टर हो गया। अब समझ लो, क्यों रो रहे हैं आप? समझे, अब घर ले जा रहा हूँ इनको। क्यों रो रहे हैं आप? अब दर्द तो हो रहा होगा, दर्द तो मैंने हुआ है, कितना दर्द हो रहा होगा। इनके ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, इनमें प्राण डाले जाते हैं जब जब उनकी स्थापना की जाती है, हमसे ज़्यादा प्राण इनमें बसे हुए हैं समझ लो, जबकि पूरे संसार के रचयिता हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, फिर भी समझ लो। अब मैं ले जाकर फिर मंदिर में स्थापना करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े ऐसे बहुत सारे भक्त आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको सुनवाया कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त पुजारी ने किस तरह से रोते हुए अस्पताल लेकर पहुँचे और डॉक्टर साहब से इलाज करने के लिए बोला गया, तो डॉक्टर साहब ने भी वहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति का इलाज किया, जिसके बाद पुजारी चुप हुए और अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस मंदिर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग अलग अलग देशों से मथुरा भी पहुंचते हैं, तो देश में आस्था कैसे कम हो सकती है। उसी आस्था का एक अनोखा मामला हमें देखने को मिला आगरा में, जहां पुजारी जी रोते हुए लड्डू गोपाल को लेकर अस्पताल में पहुंचे।